हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए हमेशा की तरह जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो है मन में सोचें एक प्रश्न। आप लोग अक्सर ही दो प्रश्न सोचते हैं क्योंकि मैं दो पाइल्स बनाती हूँ, तो मैं आज भी दो पाइल्स बनाऊँगी हमेशा की तरह, और देखते हैं कि क्या गाइडेंस आता है एंजल्स की तरफ से, क्या आपका वो काम बन जाएगा या नहीं या बाद में। यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैं पाइल्स बनाऊंगी, आपको अपने मन में दोनों पाइल्स के लिए एक एक प्रश्न सोचने हैं। पाइल्स के टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, आप चाहें तो डायरेक्टली अपने पाइल पे जा सकते हैं, ठीक है। पहले मैं दो पाइल्स क्रिएट करूंगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर वन, उनके मन में जो भी प्रश्न है उस प्रश्न में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या उनका काम हो जाएगा या नहीं। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। ओके, फॉर पाइल नंबर टू, दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो पाइल्स क्रिएट की हैं। मैं एंजल आंसर्स भी दोनों पाइल्स के लिए ले लूँ, उसके बाद मैं कार्ड्स निकालूँगी। पाइल नंबर वन के लिए आंसर द एंजल्स। जो भी लोग पाइल नंबर वन चूज़ करेंगे उनका काम हो जाएगा या नहीं। दो कार्ड्स दिए हैं एंजल्स ने और एक मैं बॉटम से ले रही हूँ। पाइल नंबर टू के लिए, जो भी लोग पाइल नंबर टू में प्रश्न चूज किए हैं उनका काम हो जाएगा या नहीं। प्लीज कार्ड्स दे एंजल्स। ओके ओके, ये दो कार्ड्स एंजल्स दे रहे हैं और ये है बॉटम से एक कार्ड। इसे मैं अब साइड में रख देती हूँ और देखते हैं कि कार्ड्स किस तरह के क्वेश्चन हैं आपके। यहाँ पे मैं कुछ रख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। फाइन, ये है पाइल नंबर वन एंड ये है पाइल नंबर टू, ठीक है। तो पाइल नंबर वन से मैं अभी रीडिंग शुरू करूँगी। ओके, पाइल नंबर टू को अभी मैं साइड में रख रही हूँ। फाइन, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज़ करा है, देखते हैं आपके क्वेश्चंस क्या हैं, क्या निकल के आता है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर वन, क्या क्वेश्चंस हैं उनके, किस तरह के क्वेश्चंस हैं उनके मन में। एक कार्ड और आया है। दिस इज माई लास्ट शफल एंजल्स। ओके, बॉटम ले रही हूं मैं। कार्ड्स अरेंज कर दूं फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ये टाइमलेस है। बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, क्योंकि इन रीडिंग्स का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। ओके, तो मैं लाइन से क्वेश्चंस बताती हूँ, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप रेजोनेट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्या इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे, क्या आपकी तरफ कोई डिसीजन लेंगे। दूसरा, एस ऑफ वैंड्स,
कोई नई बिगनिंग आप कर सकते हैं करियर में, फ्यूचर में, जॉब में, बिजनेस में या लव रिलेशन में। कोई आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, अगर बातचीत बंद हो गई थी तो भी आपकी तरफ बढ़ सकता है। कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत पैशनेट हो रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं। हो सकता है आप किसी की तरफ जेस्चर करना चाहते हो, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि क्या ये न्यू बिगनिंग करना ठीक है या नहीं। तीसरा है द हैरोफेंट, जो बता रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कास्ट अलग है, रिलीजियस फैक्टर है, ट्रेडिशंस अलग हैं, तो क्या आपकी शादी हो पाएगी, क्या आपके पेरेंट्स मान पाएंगे, क्या ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी या नहीं। अगर साथ ही साथ किसी लीगल सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए हैं, किसी भी लीगल सिचुएशन में, तो आप जानना चाहते हैं कि क्या वो सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर हमारे पास है टू ऑफ कप्स, आप किसी से प्यार करते हैं, क्या वो आपसे प्यार करता है, क्या आप दोनों का लव म्यूचुअल है या नहीं। हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलें, क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या वो मेरा सोलमेट है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, हाँ या ना, ठीक है, क्या वो मुझे प्रपोज करेगा या नहीं, ठीक। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने में समय दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, या हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि क्या ये डिसीजन लेना ठीक है या नहीं, किसी भी फील्ड से रिलेटेड। कुछ लोग किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो जो बेस तैयार कर रहे हैं, चाहे करियर का, चाहे बिजनेस का, चाहे लव रिलेशन का, उसमें उनको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा या नहीं, क्या फैमिली मानेगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, स्लीपलेस नाइट्स है, किसी तरह का गिल्ट है, किसी तरह का पछतावा है, या आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मुझे जिसने हर्ट किया, क्या उसे उसका पछतावा है या नहीं। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मम्मी, अगर मदर इश्यूज़ हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं आपके पार्टनर, तो क्या वो उनको छोड़ेंगे या नहीं, क्या वो मेरे पास वापस आएंगे या नहीं, क्या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से जाएगी या नहीं, ठीक। कुछ लोगों की किसी तरह की फ़ाइट हुई है, वो जानना चाहते हैं कि क्या वो सक्सेस पाएंगे उस फाइट में, चाहे वो आपके बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स हों, चाहे एनिमीज़ हों, चाहे जॉब फील्ड में हों, चाहे लव रिलेशन में हों, ठीक। यहाँ पे कुछ लोग जगह चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं क्या उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा या क्या वो अब्रॉड जा सकते हैं। कुछ तो है यहाँ पे शिफ्ट से रिलेटेड, जगह शिफ्ट करना चाहते हैं या सिटी शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग कोई विश मांगे हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या उनकी विश पूरी हो जाएगी। ओके, अब मैं कार्ड्स देखती हूँ पाइल नंबर वन के लिए क्या आया है। पहले आउटकम देखूँगी। द डेविल विद द एम्परर, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं किसी कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, या उनके पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है, या उनके पार्टनर को कोई कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ऐसा सिचुएशन मुझे यहाँ लग रहा है, किसी तरह का कार्मिक सिचुएशन है। हो सकता है किसी के पार्टनर बहुत अब्यूसिव हों, बहुत ज़्यादा रूड हों, स्ट्रिक्ट हों, ठीक है। द एम्परर का कार्ड है, वो जानना चाहते हैं कि क्या उनके लाइफ में सब कुछ वो कंट्रोल कर पाएंगे, जो भी बिगड़ा हुआ है, जो भी रायता फैला है, क्या वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक। अब मैं देखती हूँ एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके इन सभी परेशानियों में, क्या हो सकता है। इफ़ यू बिलीव, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मैं आपके लिए एक फुल एंड फाइनल येस और नो कार्ड भी लेना चाहूँगी। इफ़ यू बिलीव का कार्ड मैं येस मानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं लूँगी। क्या आप, ओके, तीन कार्ड्स दे दिए एंजल्स ने। टेक एक्शन, लेट गो, बी असर्टिव, पीसफुल रिजोल्यूशन। एंजल्स ने पाइल नंबर वन के लिए जो कार्ड्स दिए हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन उन लोगों के लिए है जो किसी केस में फंसे हैं, या किसी तरह का लीगल एक्शन में फंसे हैं, या पेरेंट्स की वजह से एक दूसरे से अलग हैं, या मदर इन लॉ या फादर इन लॉ की वजह से अपने घर पे हैं। डेफिनेटली एक बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। जो आपका घाटा हुआ, जो आपका नुकसान हुआ, जो भी आपका रिलेशनशिप में घाटा हुआ, नुकसान हुआ, सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। मेडिटेशन करिए, आपको आंसर मिलेगा। बिलीव करिए यूनिवर्स पे, एक्शन आपकी तरफ होने वाला है, या तो आपको लेने की ज़रूरत है, या तो आपकी तरफ आपके पार्टनर ले सकते हैं। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए, ठीक है, बी असर्टिव।
इट्स ए येस कार्ड. सो पाइल नंबर वन, ओवर एंड ऑल आपकी जो रीडिंग है इससे मुझे यही पता चल रहा है कि आपने जो भी कुछ सोचा है, ठीक है, वो आपके लाइफ में होना है. दैट इज़ फॉर श्योर. आपको कुछ सिचुएशंस में बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, साथ ही साथ मेडिटेशन करने की ज़रूरत है. ओके, सो ये थी पाइल नंबर वन की रीडिंग. होप आपसे, आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हो. थैंक यू सो मच. अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. टेक केयर, बाय बाय. हेलो पाइल नंबर टू, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी. देखते हैं कि आपने जो भी मन में प्रश्न सोचा है क्या वो आने वाले हफ्ते में पॉसिबल है या नहीं. ओके एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें किस तरह के प्रश्न सोच रखे हैं पाइल नंबर टू ने. तो बहुत सारे हैं लेकिन आए हैं तो मैं लूँगी. काफ़ी क्वेश्चंस सोचे हैं आपने ऐसा मैं देख पा रही हूँ. बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, शायद ज़्यादा लोगों ने पाइल नंबर टू को चूज़ करा है. ये टाइमलेस रीडिंग है. मैं हफ्ते भर का बोलती हूँ लेकिन जो जभी भी देखेगा उसको उस सिचुएशन में उस टाइम रेजोनेट करेगी. ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि क्या आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो पाएगी. हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन कर लिया हो, ब्रेकअप कर लिया हो. स्पाई कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन ब्रेकअप करा हुआ है. कुछ लोग जानना चाहते हैं क्या वो फॉरेन जा सकते हैं, क्या उनके पार्टनर उनकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं, क्या उनकी एनर्जी में, यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, क्या उनका इंतज़ार ख़त्म हो सकता है. किसी तरह का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या किसी तरह का जजमेंट का जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं क्या वो हो सकता है. यहाँ पे आया है क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, क्या आपको हर्ट कर रहे हैं, क्या आपको धोखा दे रहे हैं, क्या आपके पार्टनर आर्ग्यूमेंट्स करना बंद करेंगे, क्या आपसे, आप पे शक करना बंद करेंगे, क्या आपके लिए अपनों से फाइट करेंगे. कुछ लोग जानना चाहते हैं क्या उनकी फैमिली में हैप्पीनेस, सुकून रहेगा, क्या उनकी शादी होगी, क्या उनका कंप्लीशन होगा फैमिली. कुछ लोग वेट कर रहे हैं सही डिसीजन का, टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, किसी तरह के डिसीजन का वेट कर रहे हैं, चाहे करियर से रिलेटेड हो या लव लाइफ से रिलेटेड हो. कुछ लोग डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं क्या उनको सफलता मिलेगी इस हफ्ते. सन का कार्ड है यहाँ पे. कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है कि उनके बच्चे भी हों, फैमिली हो. अगर सिंगल भी हैं तो भी आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं. कुछ लोगों की हेल्थ ठीक नहीं है, वो जानना चाहते हैं कि क्या उनकी हेल्थ में रिकवरी हो जाएगी. कुछ लोग जानना चाहते हैं क्या थर्ड पार्टी चली जाएगी इस हफ्ते में. कुछ लोग जानना चाहते हैं कि अगर मदर इश्यूज़ हैं तो क्या मदर मान जाएंगी या मदर का हार्ट चेंज होगा, उनका माइंड चेंज होगा आपको लेकर. कुछ लोग पैसों को लेकर सोच रहे हैं, क्या उनके फाइनेंसेस इस हफ्ते ठीक हो सकते हैं, क्या किसी तरह की सक्सेस मिल सकती है आने वाले हफ्ते में. सो डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो भी आपका क्वेश्चन है यहाँ पे सक्सेस से रिलेटेड है, मूव ऑन से रिलेटेड है, बात होगी या नहीं, एक्शन होगा या नहीं, थर्ड पार्टी सिचुएशन जाएगी या नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस मुझे यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं. ठीक है, करियर को लेकर अगर मैं देखूँ तो हो सकता है आप किसी तरह के सक्सेस चाहते हैं अपने लाइफ में. बहुत टाइम से आपने मेहनत की है, बहुत जगल किया है सिचुएशन पर, लेकिन आपको कभी प्रमोशन, सक्सेस नहीं मिल रही है. कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे आप लोगों का प्रमोशन रुक जाता है या जिस भी चीज़ में आप हाथ डालते हैं वो काम रुक जाता है. क्यों हो रहा है ऐसा? ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन मुझे इस पाइल में ज़्यादा लग रहे हैं. कोई लीगल सिचुएशन अगर चल रही है तो क्या आपको न्याय मिलेगा, क्या आपको जस्टिस मिलेगा, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है. कंपटीशन अगर है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तो क्या
आपके जो दुश्मन आपको स्पाई कर रहे हैं, क्या आपको उसमें भी सक्सेस की उम्मीद है? इस तरह के क्वेश्चंस इस फाइल में ज़्यादा हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्या आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं? ओके, तो देखते हैं क्या आया है फाइल नंबर टू के लिए। टावर, द वर्ल्ड। एक टफ साइकिल आप लोगों ने देखी है, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे लाइफ हो, डेफिनेटली एक टफ साइकिल देखी है। इस समय काफ़ी टफ मोमेंट से आप गुजर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज दिए हैं आपको। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। नो, यहाँ पे अगर आपने पूछा है क्या आपके पार्टनर आपको हर्ट कर रहे हैं, क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, क्या आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या बातचीत होगी आने वाले हफ्ते में, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे नो लग रहा है। इस हफ्ते में शायद बातचीत आपकी ना हो पाए, ठीक है। कुछ लोग जानना चाहते हैं क्या आपके लिए आपके पार्टनर स्टैंड लेने वाले हैं अपनी फैमिली से, तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, मुझे नो लग रहा है, ठीक है, इस हफ्ते के लिए। अब मैं बताती हूँ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जिनके लिए भी नो आया है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपने सोचा है, डेफिनेटली इस हफ्ते में पॉसिबल नहीं है, लेकिन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स डेफिनेटली पॉसिबल है, ठीक है। अभी थोड़ा वक्त लगेगा पाइल नंबर टू, जो भी आपके विशेज है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा अभी आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी आपकी ये टफ साइकिल डिवाइन टाइमिंग पे एंड होगी, ठीक है, डेफिनेटली एंड होगी और आपकी तरफ एक्शन लिया जाएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स या विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ लोगों को वीक्स के अंदर, कुछ लोगों को विद इन द मंथ आपको रिस्पॉन्स मिलने लगेगा। ओके, सो ये थी पाइल नंबर टू की रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, आपको क्लैरिटी मिली हो आपकी सिचुएशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।